द पावर ऑफ नाउ, जो कि एकहार्ट टॉल की एक बुक है, उसमें कुछ मिथ के बारे में बात किया गया है जिसको मेजोरिटी ऑफ पीपल सच मानती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर मजा आएगा। तो आइए जानते हैं क्या है वो मिथ्स। मिथ नंबर वन, ह्यूमैनिटी हैज रीच्ड द पिनेकल ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ये एक मिथ है। अभी तो ह्यूमैनिटी को बहुत एडवांस स्टेज में जाना है। अभी तो बहुत भारी संख्या में लोगों को पता ही नहीं है कि उनका एग्जिस्टेंस है। दे आर नॉट लिविंग कॉन्शियसली। मिथ नंबर टू, वी आर कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, नेचर एंड द कॉस्मोस। ये एक मिथ है। ये जो अपना अपना वाला फंडा है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यही एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है सारे युद्ध, बलात्कार और दूसरे समस्याओं के लिए। एक्चुअली इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब इंटरकनेक्टेड हैं। स्वामी विवेकानंद ने इन चीजों को बहुत पहले एक्सप्लोर कर दिया है। आप चाहें तो उनको किताबें पढ़ सकते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगा। मिथ नंबर थ्री, द फिजिकल वर्ल्ड इज ऑल देयर इज। हमें लगता है कि जितना हम देख पा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड उतना ही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैटेरियलिस्टिकली जिन चीज़ों को हम देखते हैं या फील करते हैं, हमें उन्हें ही फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा लगता है, हम उन्हें ही फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा मानते हैं। पर यह एक मिथ है। इस ब्रह्मांड के बहुत सारे चीज़ों से हम अवगत ही नहीं हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते। अभी तो न्यूटन जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट ने कहा है, What we know is like a drop of water. What we don't know is like an ocean. दोस्तों, जल्दी मैं इस बुक की समरी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। Keep on watching. हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching.